वापस मेरे भाई ने आज कुछ तो अजीब मंगवाया है। यह एक अजीब सा खिलौना, मुझे भी नहीं पता एग्जैक्टली ये क्या है। दो रोबोट्स दिख रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी है रोबो कॉम्बैट, कॉम्बैट विथ ए के। ये भी हमारे पास काफी दिनों से पड़ा था यार, पता नहीं मेरा भाई क्या क्या मंगाता है। बिना नाइफ का यूज करते हुए हम लोगों ने इसको खोला यार, मेरे से नहीं होता। इसको अभी हम लोग करते हैं ओपन यानी कि अनबॉक्स। एक मिनट, क्या ये बॉक्स को साइड में रखते हैं। एंड भाई साहब ये कुछ ज्यादा ही अजीब रोबोट्स है, वो भी दो दो है यार। मुझे भी एग्जैक्टली नहीं पता इसका क्या इस्तेमाल है, अजीब से रोबोट्स मंगाए इसने। साथ में इसके दो दो रिमोट कंट्रोल्स भी है, छोटे से रिमोट कंट्रोल्स है। और इसमें भाई सब पंचिंग के बटन से। ओके अभी समझ गया ये क्या है, बॉक्सिंग के रोबोट्स। अबे इसका हाथ एकदम ऐसे मस्त हिल रहा है यार। क्या है, मजे आ रहे। ये देखो और एक चीज देखी मैंने, ऑटोमेटिकली ऐसे ऊपर नीचे कर देता है अपना हाथ। इसके लिए वापस लगेगी काफी सारी बैटरीज। बट यार ये सब में ना सेल्स की कमी हमेशा ही हो जाती है, तो अपनी एक इंडियन मेथड है जो हमेशा काम करती है। ये लेके आ गया मैं एसी और टीवी का रिमोट, इसमें से निकालते। ये चालू करते हैं ना, इसमें से एक अजीब सा आवाज आ जाता है। भाई आवाज क्यों आ रहा है मुझे पता नहीं कुछ। एक मिनट, काफी डरावनी चीज है। अबे आराम से भाई, आराम से, चिल। मैं चेक करता हूँ। ये क्यों हिल रहा, क्या है? चिल। गलती से दबा, साइड में रखते हैं, गलती से दबा। अबे चुप ना, राइट वाला पंच दबाने पे। अबे ये भी क्यों आ रहा है, हम चेक करते हैं कि ये क्या क्या कर सकता है। ये दबाने पे थोड़ा सा आगे जाता है यार। भाई गिर मत जाना, साइड हो जाना, यहाँ पहुँच। उसके बाद ये क्या, लेफ्ट राइट से क्या होता है? ओके ऐसे आगे आगे जाता है, पता नहीं यार। अच्छी भी कॉम्बो अटैक, देखते हैं मेरे हाथ को कैसे मारता है ये। अटक जाता है। ओके क्या आपको लगता है ये गोकू को हरा पाएगा? देखते हैं, गोकू वर्सेस ये रोबोट। अबे अबे हिला तो रहा है, अबे फिर जाएगा गोकू। गोकू को कोई ना हरा सकता, गोकू सबसे पावरफुल है, उसको नहीं हरा सकता ये रोबोट। चुप, अभी एक्चुअली वो चीज करते जो इससे करनी होती है। मेरा अपोनेंट बनेगा मेरा भाई, और हम लोग देखते हैं यार जिसका भी रोबोट गिरेगा वो हार जाएगा। तीन राउंड्स हो गए इसके। लेफ्ट कॉर्नर में आप देख सकते हो मैं यानी कि ईशान ब्लू कलर में, राइट कॉर्नर में है विकास येलो कलर में। जीतने वाला तो वैसे मैं ही हूँ, लेकिन स्टिल करना पड़ता है यार वीडियो के लिए। फाइट शुरू होती है 3-2-1। अभी दो राउंड बाकी है, वेट, राउंड टू स्टार्ट। सेकेंड राउंड में जीत गया यार। अभी ये लास्ट राउंड है, इसलिए इसमें एक नया रूल है कि एक दूसरे को गिराना पड़ेगा, जो गिरेगा वो हारेगा। फाइनल राउंड, ये जीत गया मैं। नू तू मेरे से जीत ही नहीं सकता। अबे अबे अभी हो जाए एक रेस, क्योंकि भाई मेरा भाई बोल रहा है वो नूब नहीं। चेक करते, 3-2-1 गो। अबे 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 जीत गया यार। अगर आपके पास आपका कोई नूब भाई नहीं है हराने के लिए, तो आप इसको ऑटोमेटिक मोड में भी खेल सकते हो, जिसमें गाइस ये ऑटोमेटिकली आपको अटैक करता है। अभी देखो मैंने रख दिया है, एंड ये कंट्रोलर हम लोग यूज नहीं करेंगे, वैसे ही रख देते। अभी ये हो गए है दोनों भी ऑटोमेटिक मोड में, तो मैं जब इसको अटैक करता हूँ ये मुझे अटैक करेगा। ओ भाई कंप्यूटर को भी हरा दिया मैंने। क्या है? मां फॉल्टी है। नोब लोग ऐसे ही बोलते हैं। ये काफी ज्यादा मजेदार ऐसा खिलौना है, मुझे पता है ये खिलौना ही है,
लेकिन इसका रिमोट कंट्रोल एकदम मस्त छोटा सा है एंड इवन गाइस दिखने में भी एकदम बाप दिखता है यार। अब एक मिनट पकड़ने दे। ओके ये देखो गाइस दिखने में भी एकदम मस्त दिखता है, इवन इसकी लाइट्स भी है एकदम मस्त, आवाज भी करता है नाइस, एकदम मस्त है। मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे आपको कैसा लगा ये खिलौना, और मैं प्रो हूं ओके, मेरा भाई नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।